हेलो एवरीवन। तो आजकल सभी को यही कंफ्यूजन है कि आखिर मार्केट जाने कहाँ वाली है। क्या ये ऊपर जाएगी, क्या ये लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर देगी, या फिर नीचे जाने वाले क्रैश होने वाले मार्केट। तो लास्ट में बिल्कुल बात करेंगे प्रॉपरली कि इंट्राडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के परस्पेक्टिव से आप कैसे प्लान कर सकते हैं मार्केट में। तो उससे पहले हम बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में मार्केट कैसे रहने वाली है, ऊपर नीचे कहाँ तक जा सकती है। फिर हम बात करेंगे आज की कि आज के लिए आप क्या प्लान कर सकते हैं। तो अगर मैं वीकली एनालिसिस की बात करूं तो अगर आप देखेंगे मार्केट एक चैनल में है, बैंक निफ्टी का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। तो उस चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पे मीन लाइन पे मार्केट बाउंस कर रही है। अभी थोड़ा बहुत बाउंस हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, यहाँ तक भी हो सकता है नियर अबाउट। मेरे लिए ये बेरिश तभी होगा अगर मार्केट ने स्लो को ब्रेक कर दिया अच्छे से, फिर मार्केट आपको चैनल के डाउन साइड पार्ट मीन्स अराउंड 30,000 के आसपास आती हुई दिख सकती है। अदरवाइज अभी के लिए तो ये मीन लाइन से बाउंस कर रही है, तो ये बाउंस यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। मीन्स लाइन से नीचे नीचे रह सकता है। अगर लाइन से ऊपर निकल गया दैट विल बी कंसिडर्ड अ गुड ब्रेकआउट। फिर आप लॉन्ग टर्म में सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाली है। मीन्स आप एक स्विंग ट्रेड या फिर एक अच्छी वाली ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया तो। अभी तक तो ये चैनल में ही है। तो चलिए अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो इसका। तो अगर मैं आज के एनालिसिस के बात करूँ, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का, तो मेरे लिए सबसे काफी इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला एरिया होगा, ये 34,200 एंड 34,400 ऑलमोस्ट अराउंड। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए। अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट मीन्स यूएस मार्केट काफी अच्छे से ऊपर गई, तो एसजीएक्स निफ्टी भी अराउंड 900 के आसपास है, 15,900। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग होने वाली है, चांसेस आर वेरी हाई। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। तो अगर मैं देखूं इससे ऊपर, तो इससे ऊपर हमारे पास ये वाला एक लेवल मिलेगा आपको, दैट इज 35,000 लेवल। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आप। मार्केट की ओपनिंग काफी मैटर करती है। अगर मैं बैंक निफ्टी थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जज करने की कहाँ पे ओपनिंग हो सकती है और कैसे आप प्लान करेंगे। अगर मार्केट की ओपनिंग हुई इस एरिया के आसपास 34,000 के आसपास, जो कि एक अच्छा खासा राउंड ऑफ नंबर है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बाय मत प्लान कीजिए। अगर 34,000 ब्रेक हो गया इट मीन्स मार्केट ने 34,000 के ऊपर सस्टेन कर लिया 10 to 15 मिनट्स, कंफर्म हो गया, फिर आप एक बाय का प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक का टारगेट लेके 200 पॉइंट्स का टारगेट लेके, अगर इसने ये 200 का लेवल ब्रेक कर दिया फिर आपको यहाँ तक 400 तक मूव मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट खुली ही इस लेवल के आसपास तो प्लीज डेफिनेटली यहाँ पे बाय मत प्लान कीजिए, दैट वुड बी स्लाइटली रिस्की। फिर आप मार्केट को टाइम दे दीजिए, यहाँ से मार्केट एक बार नीचे तो जाने वाली है। अगर आप एक स्कैल्पर है क्विक ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इजीली 100 to 150 पॉइंट्स की डाउनसाइड मूव मिल जाएगी, इस लेवल से मिल जाएगी इजीली। अगर आप बाय करना चाहते हैं एक अच्छा खासा, फिर आपको बाय मिलेगा इस 400 के लेवल से ऊपर। अगर मार्केट ने इस 400 के लेवल को ब्रेक कर दिया फिर आप सोच सकते हैं कि आपको एक अच्छी खासी मूव मिलने वाली है इजीली अराउंड। वैसे लेवल यहाँ पे है, इतनी बड़ी मूव तो डेफिनेटली मे बी ना आए आज आज के दिन में इतना गैप अप खुलने के बाद, लेकिन हाँ 300 to 400 पॉइंट्स की मूव माइट भी आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा कॉन्शियस रहिए, ओपनिंग पे डिपेंड करता है। अगर फ्लैट ओपनिंग हुई यहाँ पे कहीं, फिर आप बाय का प्लान कर सकते हैं 34,000 के लेवल को टारगेट लगा के। 34,000 ब्रेक हुआ फिर ये टारगेट, मीन्स अकॉर्डिंग टू दी ओपनिंग आप प्लान कर सकते हैं। बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि कहाँ पे आप क्या प्लान कर सकते हैं। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब ऑप्शन चेन देखते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन देखें तो ये क्लियरली बुलिश थी, बट आप इसका आज कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर मार्केट गैप अप खोलगी 400, 500 और 700 पॉइंट्स, तो फिर सिनेरियोस चेंज हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जैसे ऑप्शन चेन मूव करेगी उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। वैसे अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये वाला लेवल काफी अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं, अब इसको कोई कंसिडर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जब फ्राइडे को इसको ऑप्शन चेन को देखा था, मुझे लगा था प्रीमियम काफी कम है, तो इसीलिए मैं कॉल एंड पुट दोनों बाय किया था। क्योंकि जब आप कॉल एंड पुट दोनों बाय करते हैं तो अगर एक साइड बड़ी मूव आ जाएगी तो आप प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो मैं बैंक निफ्टी में कॉल एंड पुट दोनों बाय करके गया था। उसका माइट भी मैं एग्जिट करूंगा तो स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन मैंने क्या किया था, आई थिंक ये 200 वाली पुट एंड अराउंड ये कॉल बाय की थी 34,100 वाली। लेट्स सी कैसा रिजल्ट निकलता है आज उसका। तो चलिए अब देखते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है। तो चलिए निफ्टी की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है ये वाली। जब तक मेरे लिए सिंपल सा सिनेरियो क्या है कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे, मैं इसको बेरिश ही काउंट करूंगा। आप क्या कह सकते हैं, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास है तो आप एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं।
और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ये जो लेवल भी है, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट दिया था, नीचे चली गई, अब यहाँ से ही ऊपर आ रही है। अब ये फेल्ड ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन जब तक इस लेवल से नीचे रहेगी तब तक मैं कोई ट्रेंड चेंज काउंट नहीं करूंगा, मैं इसको बेरिश ही मानूंगा। अब बात आ गई कि चलिए बात करते हैं कि आप ओवरऑल मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, क्या हो सकता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप सोचते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर यू। आप क्या कीजिए, सिंपल लेवल्स मार्क कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि इंट्राडे में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पिछला थर्सडे देखा होगा तो मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, थ्री मूव्स वर देयर, तो आप एक सिंगल सेंटिमेंट के साथ नहीं जा सकते मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आप फ्लेक्सिबल रहिए, जैसे मार्केट का सिनेरियो, जैसे पिक्चर क्लियर है आपको, वैसे आप ट्रेड कीजिए। स्विंग ट्रेडर क्या कर सकते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का, तो फिर मैं एक बाय का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ स्विंग ट्रेड में, और उसको होल्ड करूंगा जब तक ये टारगेट ना आ जाए, या फिर जब तक ये टारगेट ना आ जाए, जब तक ये टारगेट ना आ जाए। तो स्विंग ट्रेडर क्या करें, प्लीज फोकस अपॉन लेवल्स। यहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से एक लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, मुझे मूव मिल सकती है, कैप्चर कीजिए और साइड पे हो जाइए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास दो ऑप्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज, क्योंकि हमने इन्वेस्टिंग एक दिन, 10 दिन या एक ईयर के लिए नहीं की, हमने 5-10 सालों के लिए की है वो। तो जब भी मार्केट नीचे जाए, करेक्शन हो रही है, आपको लग रहा है कि आपका जो स्टॉक्स है वो 20% डिस्काउंट पे आ गए, तो आप वहां पे थोड़ी सी पोजीशन और बना लीजिए। आपको लग रहा है आपका स्टॉक 40% डिस्काउंट पे आ गया, और बना लीजिए पोजीशन। मींस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करता है कि जब भी उसको अपनी चीज डिस्काउंट पे मिल रही है तो वो और ऐड कर सकता है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। सेकेंड, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा सिनेरियो होता है कि जब मुझे लगे कि मार्केट का काफी हद तक ऊपर आ चुकी है, अब एक नीचे की डिप मार सकती है, तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन बुक कर लेता हूँ। तो मैंने अराउंड, जब मार्केट 17,800 के आसपास थी, तो वहां पे अपना पोर्टफोलियो बुक कर लिया था। अब मेरा दो सेंटिमेंट है, आइदर आई विल एंटर अगेन इन टू द सेम पोर्टफोलियो जब मार्केट मुझे, मेरा जो पोर्टफोलियो वो 40-50% अराउंड डेप्रिसिएट हो जाएगा, मीन्स डिस्काउंट पे आ जाएगा, और अगर मार्केट अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगी, अगर मार्केट ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर दिया तब भी मैं एंटर कर जाऊंगा, या फिर 30-40% या 50% डिस्काउंट पे मैं ऐड कर लूंगा अपनी क्वांटिटी को, दिस इज वेरी सिंपल। तो आप मीन्स प्लान के साथ जाइए, मेरा कॉपी करना कोई जरूरत नहीं है, आप अपने लिए एक प्लान बनाइए कि ऐसे मैं ट्रेड करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मार्केट कहाँ पे जाने वाली है, दे पीपल आर प्लेइंग विद यू, तो आप उस गेम का हिस्सा मत बनिए, फोकस अपॉन योर सिस्टम एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं आज के लिए क्या प्लान हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर मैं अभी की कंडीशन देखो एसटीएक्स निफ्टी की, तो ऐसे लग रहा है कि मार्केट माइट भी 900 के आसपास खुल सकती है, तो 900 एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस का काम करेगा आपके लिए, 900 से लेकर 920 तक का लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है, तो अगर आप एक अच्छे स्काल्पर हैं या इसके पास खुलती है, तो आप यहाँ पे स्काल्पिंग का सेल भी कर सकते हैं, रिस्की होगा क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट है, बट लेकिन यहाँ पे आपको इजिली 30-40 पॉइंट्स की मूव मिल जाएगी। ऑप्शंस की बात करूँ तो आपको 20 पॉइंट्स, 20-25 पॉइंट्स इजिली मिल जाएंगे, बट वो बहुत क्विक मूव होती है। अदरवाइज अगर आप एक अच्छा ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, अगर मार्केट ने इससे नीचे सस्टेन किया, 900 से नीचे सस्टेन किया फॉर 10 to 15 मिनट, फिर आपको डाउनफॉल भी दिख सकता है, हो सकता है मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग की हो वो सस्टेन ना कर पाए। अगर मार्केट ने इस लेवल से ऊपर सस्टेन किया, इस लेवल से ऊपर सस्टेन किया, 920 से ऊपर सस्टेन किया, फिर आपको मार्केट 16,000 तक आते हुए दिख सकते हैं। अगर 16,000 भी ब्रेक हुआ, फिर 16,100 एंड 16,200, दीज टू आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसे ऊपर सस्टेन करेगी या नीचे, वो आपको ट्रेंड डिसाइड करने में हेल्प करेगा। चलिए, मैंने जो थंबनेल डाला था कि क्या लेवल, कौन सा लेवल आ सकता है पहले, तो मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं पहले। तो मेरे लिए ये लेवल 16,200 काफी इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होगा, एक तो यहां से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो यहां से आ रही है, ठीक है, तो अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया और इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मेरे लिए मार्केट बुलिश है, मेरे लिए मार्केट में 17,000 पहले आएगा, ना कि 14,500। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाए और नीचे जाना शुरू कर दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, तो 14,500 पहले आएगा, मींस अगर यहाँ से ऊपर ना जा पाई, तो मैं ये मानूंगा कि मार्केट माइट भी 14,500 पहले आएगा, ना कि 17,000। आपको यहाँ पे एक अच्छी मूव मिल सकती है फिर, क्योंकि आप काफी ऊपर आ चुके हैं मार्केट, और फॉल काफी अच्छा मिलेगा आपको यहाँ से। तो इस ट्रेंड लाइन और इस जो लेवल को ध्यान में रखिए, 16,200 का लेवल है,
अगर सस्टेन नहीं कर पाई तो यहाँ से एक अच्छी मूव आपको नीचे के लिए मिल जाएगी। तो ये मेरा व्यू है मार्केट के ऊपर। चलिए ऑप्शन चेन भी एक बार देख लेते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो मार्केट ऊपर जाने के ही चांसेस थे। यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है 73 लाख का, ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये भी काफी अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो लेट्स सी मार्केट इसको ब्रेक करती है या नहीं। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर आपको ये वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। बाय बाय।